ओम ज्ञानतिमिरन्धैस्सज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वं पदान्तिकम्। श्रीगुरेण वैष्णवाच श्रीरूपं साकृतं सहगणगणाद्वैतं तं सजीवं साद्वैतं सर्वभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणरीता श्रीविशाखान्वितमाश्च। हे कृष्ण कर्णा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। हरे कृष्ण, कैन यू हियर मी? हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे बोल, मुझे एक इंट्रोडक्शन आप मेरे को बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कौन कौन है सब। हरे कृष्णा, प्लीज सर आव हम्बल ओबेसेंसेस मत वांछा कल्पतरु। यस, वांछा कल्पतरु बक्षा कृपा से जो पतिता नाम फाबने। टुडे वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड प्रिविलेज टू हैव माताजी with us this evening. So let me just go a quick go ahead to introduce Mataji with our audience. Yes. So Dineha Chenaru Dokote Anya Utomaro Ha Grace Radhika Kripa Mataji Kripane Mataji Anatam Tukunema His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj Siani Guma Dichaya Uthala Kripane माताजी आएंगा सोले फैशन डिजाइनर दे आपके पाने अगो दी इस्कॉन फेयर जाऊं दे माँ फेयर ये वो ले रहे हैं वो डिजाइन है पिलो के पाने मारा माताजी आज लोगों टे आ सापी ना होले ये तो आप इस उठा पाने माताजी ये साहू का वो वैष्णविज्म इन सिखिज्म सोले साहू सोए बादाम आवे ने बादाम ये था आप इंटरनेशनल कनाडा ऑस्ट्रेलिया थाईलैंड जापान यूके इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कृष्णा अनुभूति थैंक यू सो मच माताजी। सो वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू विद अस। Thank you once again. Thank you. Thank you for inviting. And Hindi में बोलना है कि English में बोलना है? Hindi में माताजी। Hindi में, ठीक है। So they all understand Hindi, or you'll be translating in Burmese? No, we'll be translating in Burmese, माताजी। Simultaneously, okay. Yes, माताजी। Hare Krishna. So. Ganada Guru Angita. So you all are from Nepal or originally from Burma? We are originally from Burma, Mataji. Okay. Because I've met many in Thailand, I've met many from Burma, so I'm asking for that. Mataji. I was with Guru Maharaj today. I told him I'll be coming, I'll be giving a live lecture there with Zoom in Burma. So he was very happy. He said, I've got many disciples in Burma, 70 or 80 disciples he has. Yes, Mataji. So. Okay, thank you for inviting. Let's start the class. Thank you, Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai, Shri Bhagavat Pad ki jai, Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna. So, आज का टॉपिक जो है बहुत ही सुंदर टॉपिक है जो आपने मेरे को भेजा करने के लिए, साधु संघा और भक्ति का जन्म स्थान ही साधु संघ है। और हमें भक्ति करनी क्यों है? क्योंकि हमें भगवत धाम जाना है, हमें भगवान के धाम जाना है। हमारा लक्ष्य है इस संसार से वापस लौटे और फिर दोबारा यहाँ पर ना आए। तो भगवान कहते हैं अगर मेरे घर वापस आना है, ऐसे स्थान पे आना है जहाँ जाकर अर्जुन वापस ना जाना पड़े, तो एक ही स्थान है, वो मेरा घर है, वो मेरा धाम है। तो हम सबको भगवान के धाम लौटना है, उसके लिए भगवान कहते हैं मुझे याद करना पड़ेगा, उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान को याद रखने का अर्थ है भक्ति, भक्ति का अर्थ है सेवा। सो आज भी कोई मुझसे कह रहा, अच्छा आई शुड स्टॉप इन बिटवीन, यू हैव टू ट्रांसलेट, सॉरी प्लीज गो अहेड। माता जी आज ने चंद्र सुन में अचानक आ रहा साधु संघ के बारे में, तो साधु संघ आज चंद्र पे इवेंट में आई थी बारे में, साधु संघ या मां चंद्र आप या भक्ति को या फिर मां
नारी भक्ति हो या फिर चंद्रो डीला में प्यानवा भी रहो भगवत धाम हो जाओ भी सुने प्यान की रहो लाज हम लोग सारी अचाम हो जनो जिने सुने में अच्छे बारे हैं। तो साधु संघ के बिना भक्ति हो नहीं सकता है, भक्ति का जन्म स्थान ही साधु संघ है और भगवत धाम लौटने के लिए भक्ति चाहिए। तो साधु संघ तुरागा तुरा जेपो कोरने पंप हो जे मतलब पहने चंडो बेरमा भक्ति सुरागो मसाना है बु भक्ति ये मुई भी रहने आगुआ साधु संघ अपने दे साधु ने पंप हो जे मा चंडो भक्ति हो जाने मचे दे। तो साधु संघ जो अपने आप में ही शब्द है, इसका अर्थ है कि साधना करने वालों का संघ करना, उनका संघ करना जो साधना करते हैं भगवान को याद करते हैं। साधु संघ सुरे जगलों या अटे हुए बालस हो ये ने साधना को तो इतने आप हैं चिंचने पोकुरी है पांव पहुंचे को जो राशि दे रहे साधु संघ सुरा को ना चिंचने पोकु साधना लोटे पोकुरी को या तुरुने पांव पहुंचे को जो राशि दे रहे। और साधु संघ मिलेगा कैसे? वो मिलता है अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी श्रद्धा हो, अधो श्रद्धा, फेथ हो, फेथ मीन्स श्रद्धा। साधु संघ बिलोया नाम ले सो ये ने चनरो ठेमा नवादी प्रेम श्रद्धा चंद्र सीमा सीमा चंद्र साधु संघ या नाम के दे या श्रद्धा का अर्थ है कि हमारा विश्वास हो, उस भगवान पर विश्वास हो, थोड़ा सा विश्वास हो भगवान के उस प्रोसेस पे, भक्ति के उस प्रोसेस पे विश्वास का बहुत होना जरूरी है, अ लिटिल बिट ऑफ फेथ। जनों का श्रद्धा सोरे सगलों अडे वाले से योची मुशिया में अरे भगवान को मां भगवान ने भक्त को मां योची मुशिया में दे। तो एक संत है रूप गोस्वामी, वो कहते हैं अधो श्रद्धा तधो साधु संग तदा भजन क्रिया। साधु स्वरूप गोस्वामी का बाबेला सुनिए ना साधु संग अधो भजन क्रिया या अधो अधो श्रद्धा पहला है अधो श्रद्धा अधो श्रद्धा ततो साधु संग तथा भजन क्रिया, पहले श्रद्धा फिर साधु संग फिर भजन क्रिया। पटमा श्रद्धा से हमें फिर साधु संग से हमें पीमा भजन क्रिया सत्या है। सो प्रभुपद कहते हैं, प्रभुपद राइट्स इन भगवद गीता इन द पर्पट इन द 411 फोर्थ चैप्टर 11th श्लोका प्रभुपद गिव्स द पर्पट इन दैट ही एक्सप्लेन्स। प्रभुपद जी आ भगवद गीता चा अखन ले 12 सटे मार दो गठार एर। सो इन दैट ही एक्सप्लेन्स दैट पहले डिजायर इच्छा होना चाहिए, अधो श्रद्धा का अर्थ है, श्रद्धा का अर्थ है इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करना है, मुझे जानना है मैं कौन हूँ। प्रपटमा उदों जनरो का को तीबो लोआ डेरे चना बदुले सुरागो इंजों तीबो लोआ डेरे। सो जब हमारे अंदर ये इच्छा आता है कि ये जानना है मैं कौन हूँ, तो हम उनको ऐसे लोगों को भगवान हमारे साथ मिला देते हैं जिनके बीच में जाकर हमें ये समझ आता है कि मैं कौन हूँ। जनरो नाल है बोटो है चनो तीर से ही खेला भी सो ये ना भगवान का अलो पूपुर ने चनो उसमें मचे थे। तो इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान साधु का संग देते हैं, उनका संग देते हैं जो भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को पाने के लिए दे आर ट्राइंग टू गेट कृष्णा, दे आर ट्राइंग टू गो टू कृष्णा। रूप गोस्वामी का बाप वाला सुनिए अलो भगवान को तीबो चोजार ने पुकुर ने पंप और जेगो या बोटे रूप गोस्वामी अपने हर एर। तो अधो श्रद्धा तदो साधु संग, और जब हम साधु संग में आ जाते हैं अर्थात जब हम ऐसे लोगों के बीच में आते हैं जो साधना कर रहे हैं, और प्रभुपद कहते हैं साधु संग का असली अर्थ है गुरु के शरणागति होना, गुरु के शरणागत होना। ये किसी का म्यूट करना पड़ेगा या साधु संग सुरे अटे बाले सुये ने साधना लो ने पोकुर ने कौन पहुंचे थे बारे सुधिका गोस्वामी अभ्यास बारे रे। सो जब हम शरणागत गुरु को शरणागति कैसे देते हैं, भगवान पहले भगवान का नाम जपते हैं तो गुरु को शरणागति, गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं और भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं। पठमा उदो चंद्रो आलो साधु संग सुरे ने मा गुरु को पठमा खुलवाया मेरे गुरु की कृपा पीछे लावा चंद्रो भगवान की कृपा हो या ना पीछे दे।
तो दिस इज देयर कि हरि भक्ति विलास एक ग्रंथ है जिसमें शरणागति के ऊपर कहा गया है, छह प्रकार के डिवीजन है। शरणागति कैसे होता है, छह प्रकार से हमारा शरणागति भगवान को सरेंडर दिखता है। हरि भक्ति विलास चैन मारे खोलो मुछम योगो अभ्यासावारे, क्योंकि मेन रीजन फॉर गोइंग इनटू साधु संघ, साधु संघ में मेन रीजन जाने का है, क्या करना है, भक्ति करना है। सो डिवोशनल सर्विस, एंड डिवोशनल सर्विस मींस शरणागति, बिना शरणागति के भक्ति नहीं है। तो ये शरणागति अपने आप में खोलो जिन को प्यारा चित है, खोलो जिन सीमा चंडो साधु संघ या ना मैं साधु संघ या मां चंडो भगवान ने भक्ति हो जाना है। क्योंकि जैसे देवकी ने अभी आपको बताया कि मैंने एक किताब लिखी है वैष्णव टीचिंग्स इन सिखिज्म, तो आपने भी देखा होगा सिख लोग जो हैं, मैं सिख फैमिली से हूँ, तो वहाँ पर हम एक ग्रंथ पढ़ते हैं ग्रंथ साहिब, उस ग्रंथ में भी आता है साधु संघ का महिमा कहा गया है। तो उसमें आता है कि जो साधु संघ है, बिन पागा सत्संग न लबीजे, ये आपने बोल पाएंगे, तो बिना भाग्य के सत्संग नहीं मिलता है और बिना सत्संग के मैल भर जाती है। सो भाग्य मीन्स हमारा बहुत अच्छा भाग्य होगा तो हमें साधु का संग मिलेगा, गुरु का संग सानिध्य मिलेगा और भक्तों का संग मिलेगा। तो इसीलिए हरि भक्ति विलास में कहा है कि अगर हमें भक्ति करना है शरणागति देना पड़ेगा, तो शरणागति का छह डिवीजन मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। सबसे पहला है अनुकूल से संकल्प, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको संकल्प करो, उसको अभी ग्रहण कर लो, ले लो। नंबर टी का बाला स्वयं अनुकूल से संकल्प भक्ति ने संजय भक्ति ने प्रतिकूल से वर्जनम, जो भक्ति के प्रतिकूल है, जो भक्ति के अगेंस्ट जाता है उसको उसी समय त्याग दो, उसे छोड़ दो। भक्ति ने रक्षसति विश्वासो, भगवान पर पूरा विश्वास कि वो मेरी रक्षा करेंगे। भगवान को अपना गार्डियन, अपना प्रोटेक्टर और सब कुछ मानना, ही इज माई गार्डियन। भगवान the acceptance of God as supreme Lord as our master, he is our master, atma nikpesha karpanya, so he is our master, we are fully surrendered to him। भगवान को अपना गुरु, अपना भगवान को मानना कि वो ही, मैं उन्हीं के शरणागत हूँ, भगवान के प्रति शरणागति का भाव लेकर आना। भगवान को चंद्रो का ना खोलो या मुझे तो भगवान ना चंद्रो ये गुरु के तो है इधर चंद्रो भगवान को खोलो या मेरे। सो दिस इज षट विधा शरणागति, ये छह विधियों से हम छह प्रकार से भगवान को शरणागति दिखाते हैं। खोलो जे छ मियो बॉडी तो चंद्रो किया बारे। और ये शरणागति कहाँ पर पैदा होती है, ये पैदा होती है भक्तों के संग में, साधु संघ में। So, शास्त्र भी कहते हैं साधु संग साधु संग साधु संग, सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो लव मात्र साधु संग, सारे शास्त्र कह रहे हैं दुनिया के कि साधु संग करो, गुरु को शरणागति दो, गुरु से दीक्षा लो और फिर
साधुओं के संग में, भक्तों के संग में रहोगे गुरु की कृपा से, और फिर क्या होने वाला है, लव मात्र साधु संग, एक पल के लिए भी, पलक झपकने के समय के जितना भी अगर साधु, शुद्ध साधु का संग मिल गया तो हमारा सर्व सिद्धि होए, सब सिद्धियां मिल जाएंगी, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अदो श्रद्धा तदो साधु संग तद भजन क्रिया। जब साधु के संग में आते हैं, गुरु की कृपा में मिल जाती है, तो हमारा भजन शुरू होता है, हमारा तब असली भजन शुरू होता है। रूप गोस्वामी का कहना है अदो श्रद्धा चंद्रमा न यो चिमुशिया में अरे खामा चंद्रमा साधु संग पे लामे अरे खामा चंद्रमा भजन क्रिया सुरक्षित लामे पे देर। सो भजन क्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत जरूरी है भजन क्रिया। भजन मीन्स जब हम खुद नाम जपेंगे, तो जब गुरु नाम देते हैं उस नाम में बहुत गुरु शक्ति डालकर देते हैं, भगवान की शक्ति होती है उसमें। भजन क्रिया सुरहार चंद्रवट इमटम ये चीज है भजन ने सुए भजन क्रिया सुरा गुरु का पीढ़ा रे नामा रोगो यु सुजे थे देर गुरु का पीला टाइम नामा रोगो हार इमटम न गोची रे। सो इसीलिए दिस इज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम गुरु के अधीन होकर भक्ति, बिना अपनी मर्जी से भक्ति नहीं होती है। इसीलिए पहला रूल ये है कि भक्ति जो है अपने मन से नहीं होती है। तो इसीलिए कहा है रूप गोस्वामी ने अदो श्रद्धा तदो साधु संग तद भजन क्रिया तथा अनर्था निवृत्ति। फिर हमारे हृदय में से सब कालक निकल जाएगी, सब मैल निकल जाएगी। अलो भजन क्रिया नो ला रहे भजन लो ला रहे खामा रहे चंद्रु या नलोना माशी रहे अन्य चिरे आलो हासी दे दो माके दे रहे। हमारे हृदय में बहुत सारी मैल है, हम माने नहीं माने, हम लोग मानते नहीं है, बट हमारा हृदय बहुत काला है। हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या सब भरा हुआ है। चंद्रो या नलोना रहे मारे अन्य चिरे न्याय सी दे रहे डागो चंद्रो ले खाए ले ले मखाए ले चंद्रो शिमा सी बिदा से दे रहे हमारे को। जब तक हम भगवान कहते हैं शुद्ध नहीं होंगे, प्योरीफाई नहीं होंगे, भगवान हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो हमें शुद्ध, हमारा भक्ति का अर्थ ये, भगवान प्रभुपाद कहते हैं अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना, भक्ति का और कोई लक्ष्य नहीं, भक्ति हमारे इंद्रियों को शुद्ध करती है। यही मन हमारा जो है हमें इस संसार में फंसा सकता है, और यही मन हमें भगवान का धाम दिला सकता है। ये मन को अगर हम इस संसार में फंसा लेंगे तो हम यही रह जाएंगे, और इस मन को अगर भगवान को दे देंगे तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो चंद्रो ऐसे ही गो डी लॉ की माँ चंद्रो देनी में सोए डी सो लॉ की माँ था में सोए चंद्रो डी लॉ की को प्यार लाया मैं चंद्रो ऐसे ही गो भगवान को अनलाय भी सोए चंद्रो आप भगवान शिव या तो मुझे दे। तभी अर्जुन जो है वो अर्जुन को भगवान ने बोला अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो और फिर युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवान का बाप बोला सही ने ऐसे ही मैं अति न्यागो गागो अन्न लाए बा पिमा से कोटाई बाल ब्योगे रहे। सो हमें इस संसार में कैसे रहना, अपना मन और बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंस और मन, माइंड दोनों भगवान को अर्पण कर देना है, तभी हम इस संसार में सुख से रह पाएंगे। डिलोगी मां चंद्र सही छंद आजवाने नहीं जने सो ये ने चंद्र ने सही है चंद्र अति न्यागो भगवान को अन्नायाम आपसे दे रहे। क्योंकि हमें शुद्ध होने बिना हम भगवत धाम नहीं लौट सकते, हम भगवान अपने घर वापस जाना है हमें, पर बिना शुद्धिकरण के नहीं जा सकते। तो चंद्र हाथ से सेंचे तो आमा बे भगवान के धाम को तोलवा मपसे दे रे न तन से सेंचे जे मपसे बने रे चंद्र भगवान के धाम को लोग मैं आओ नहीं।
शुद्धिकरण जो है वो एक ही ऐसे ही पॉसिबल है, जब तक हम शरणागति नहीं देंगे हम शुद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि बिना शास्त्रों को जाने भगवान कहते हैं मेरे पास चार प्रकार के लोग आते हैं। सबसे पहले वो आते हैं जो दुखी है, दूसरे वो आते हैं जिन्हें कोई जिन्हें धन चाहिए, तीसरे आते हैं जो जिज्ञासा है जिनको इच्छा है मुझे जानने की, चौथे हैं जो ज्ञान के आधार पर आते हैं जिन्हें ज्ञान है नॉलेज है जिनको, तो अर्जुन पूछता है कि इन चारों में से सबसे प्रिय कौन है आपको, आपको सबसे अच्छा कौन लगता है इन चारों में से। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण उम्मीदी खोलो ने पुपुरी लिमि उठे मारे बुद्धुगा कम्यारे अच्छे सो रहे सो मेरे अर्जुन का भगवान उम्मीद है। तो भगवान ने उत्तर दिया जो ज्ञान के आधार पर शुद्ध भक्ति करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण बाबल सो ये ने नॉलेज ज्ञान गाने डसे नॉलेज डज नॉट मीन कि एमबीए या पीएचडी का नॉलेज, भगवान ने कहा जो शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर मुझे शरणागति देता है शुद्ध भक्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण का नॉलेज सुरेखा मां एमबीए रो पीएचडी जो को ब्योरा मो पूरे जान जा रहे को टटे को ब्योरा छे रे अरे नॉलेज या मां भगवान का को भी दो। तो हमें ज्ञान कौन सा चाहिए, जो भगवद गीता का ज्ञान है, ये सारे उपनिषदों और शास्त्रों का निचोड़ है, इसमें इन सब का सार है भगवद गीता। सो दैट इज व्हाई इसीलिए हमें भगवद गीता जो है हमें भगवद गीता के जो ज्ञान दिया गया भगवत गीता का उसको इम्बाइब करना है, उसको अपने हृदय में लेकर जाना है। सो भगवत गीता का नॉलेज इज द सुप्रीम नॉलेज, ये सबसे भगवान का ये साइंस वो है जो भगवान ने डायरेक्टली गाया है। And it is the science of self-realization. ये self-realization का science है ये। So जब हम भगवत गीता के भीतर जाते हैं, भगवत गीता को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं। भगवत गीता को जनरल ना ले वो भगवत गीता और ले ला रहे खामा ना ले रहे खामा So then, Krishna is actually the supreme power. भगवान सुप्रीम है, भगवान इसमें डिक्लेयर करते हैं भगवद गीता में, भगवान अपने बारे में पूरा व्याख्यान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अमीन्य सोमशित है सुरागो, भगवान श्री कृष्ण पूरा है भगवद गीता में शिष्य ने व्यवहार है। और इसीलिए भगवत गीता को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो कृष्णा विल हेल्प अस, ही सेज दैट। भगवत गीता वो चंद्र ना ले वो जो जा रहा है खामा चंद्र को अलो ना ले वो अट कृष्णा का चंद्र कुनी दे मा खेते रे, बिकॉज़ ही सेज भगवान कह रहे हैं मैं मेरे को सबसे प्रिय वही है जो भगवत गीता जो ज्ञान के आधार पर मुझे शरणागति दे रहा है, जो भक्ति कर रहा है मेरी, वो सबसे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ब्योरा भी दाखिल दे रहे हैं कि ना तैयारियां को या वो डर ना वो खोलों थारे सुरे बोल को हंगाय अच्छे सुख दे सुरा को भगवान श्री कृष्ण को रंग ब्योरा भी दाखिल दे जाम से दे रहे। तो इसीलिए रूप गोस्वामी हमारा जो टॉपिक आज का है साधु संग, तो साधु संग मींस ऐसे भक्तों का संग, ऐसे गुरु का संग जो हमें भगवान को मिला सकता है। रूप गोस्वामी द्वारा साधु संग सुरे जगलों वाला सुनिए भगवान को कोई भी नहीं ने पूरे ने हम पहुंचे को प्यारा पिटे रे। सो
कहा गया है कि हमें ये मनुष्य देह मिला है भगवान को मिलने के लिए, और भगवान कैसे मिलेंगे, मिल साध संगत, साधु के संग में बैठो और फिर नाम जपो और फिर भगवान को प्राप्त कर लो। So indirectly Krishna is saying कि मेरा एड्रेस जो है साधु संघ है, आई लिव इन साधु संघ। भगवान श्री कृष्ण का तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भगवान ने दिया है। डिवोटीज इसको ऐसे देखते हैं, नेगेटिव नहीं देखते, इट्स पॉजिटिव कि प्रचार बढ़ गया, बहुत लोग जुड़ गए ऑनलाइन प्रीचिंग में। सो दिस इज साधु संघ। भगवान ने भक्त रहेगा साधु संघ को भी रजा ना है अकुल ऑनलाइन है चंद्रो ना ब्याज भक्त रहने अभी जो तैयार हो रहा है साधु संघ बोल लो ना है रे ना कौन है कौन कितने बचन रो आ ना कौन है बेकार कोई मैं सुने डाई में डामा कौन है रे। मेरा पर्सनल है एक्सपीरियंस कि मैं ट्रैवलिंग प्रीचर हूँ, बट अभी क्या हुआ, कभी मैं सोच नहीं सकती थी कि विद इन 7 मंथ्स मैं पूरी भगवद गीता ऑनलाइन 200-300 भक्तों के साथ ऑनलाइन हम सब मिलकर कर लेंगे। तो बट हमने कर लिया पूरे ये 7 मंथ्स में, हम 18 चैप्टर में आ गए, पूरी भगवद गीता कर ली हमने विद इन 7 मंथ्स विद सो मेनी न्यू पीपल। तो ये भगवान की कृपा है। माताजी दबाट कुलम पर भी जाता था ना फिर वो को फिर थे तब मैं अपु दी कोरोना वायरस जाऊं दी खुनला आटे में माताजी आ भक्तर म्याजी अति दिन है भगवत गीता को ऐसा सो देला भी तो अभी ही है ना भगवान ये ना करुणा फिर थे। और प्रभुपाद का इच्छा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और गुरु महाराज वही करते हैं जो प्रभुपाद ने कहा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सो ही एम्फसाइज्ड इस साल उन्होंने भद्र पूर्णिमा का जो गीता मैराथन भागवतम मैराथन था उसको शुरू किया, और हम सब ने ऑनलाइन शुरू किया, और ऑनलाइन बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। बट आई गुरु महाराज सेज दैट आई ब्रोक द रिकॉर्ड, आई डोंट नो, पर मैंने 265 भागवतम सेट्स डिस्ट्रीब्यूट करा है ऑनलाइन प्रीचिंग में। So this is ये पावर है साधु संघ का। साधु संघ मीन्स गुरु कृपा। क्योंकि भगवान की कृपा थ्रू गुरु आती है, और गुरु की कृपा मिलती है भक्तों के संग में होते हैं तो गुरु कृपा आती है। भगवान की कृपा गुरु का ने टस से चंद्रोशी हो जाओला रे चंद्रो हा भक्त ने भगवान की कृपा हो जाने ने रे। सो दैट इज व्हाई शास्त्रों में कहा गया है भगवान मिलते हैं गुरु की कृपा से, और गुरु मिलते हैं भगवान की कृपा से। बाबा साले सो ये ने न भक्त रे पांव पांव जहां पे गुरु हो जाने ने न गुरु ये कृपा या भी स्वयं भगवान को चंद्रो जाने ने रे। और भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं जब हम गुरु के अधीन रहकर कार्य करते हैं, इसीलिए कहा गया है कि गुरु के मुख को देखकर जो चलता है कृष्ण कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर जो मनमुख है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके मन में कालक है, वो उसके मन में बहुत ही अनर्थ है। तो साधु संघ में बैठकर हम
हमारे जो भक्ति है वो स्ट्रांग होता है, उसमें बड़ी सारी ध्रुव और प्रहलाद जैसे हमारे में शक्ति आती है जब हम भक्तों के संग में बैठते हैं। साधु संग या ला रहा है खामा चंद्रो माँ भक्ति यहाँ फिर ला रहे हैं प्रहलाद महाराज दो ध्रुव महाराज दो तो पूरे है यहाँ गो चंद्रो या शिना है रे साधु संग आने के बाद सो अदो श्रद्धा तदो साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्था निवृत्ति। साधु के संग में बैठते हैं, गुरु की कृपा से नाम मिलता है, नाम जपते हैं, भजन क्रिया करते हैं तो अनर्थ भाग जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या सब भाग जाता है। चंद्रोगा दी नाम जब भजन क्रिया लो ला रहे खामा अनार्थ निवृत्ति जनिया है चंद्रो लो ठा रहे चंद्रो सही थे मैं शिदे अन्य जीरे नारे दोदारे लोबारे मोहारे इसी जे आलो हारे पृथ्वी से जला मुझे तो जब तक अनर्थ भागते हैं और फिर भगवान के प्रति हमारी कह रहे हैं कि ततो निष्ठा, फिर निष्ठा आती है और फिर रुचि इंटरेस्ट आता है। अभी तो इंटरेस्ट भी नहीं आता भगवान के प्रति, भगवान के प्रति हमारा अभी इंटरेस्ट जागता ही नहीं जब तक हमारे अनर्थ निकलना शुरू नहीं होते हृदय से। तो इसीलिए कहा है कि जब निष्ठा आएगी, रुचि आएगी और फिर जाकर कहीं हमारे अंदर से भाव आएगा और फिर प्रेम आएगा। अरे अलम यो रुचि फिला रहा है खामा चंद्रो माँ नदी भावा सुरा फिला में भावा फिला रहा है खामा प्रेम सुरा चिच्छम्य दासुरा फिला माँ फिर देर। तो तभी प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति के प्रोसेस से चलने से, और भक्ति का प्रोसेस जो है वो होता है गुरु के अधीन रहकर, गुरु के निर्देशन में भक्ति करने से, गुरु के निर्देशन में भक्ति करने से हम उस हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त करते हैं जहाँ जो है कृष्ण प्रेम, जहाँ लव फॉर कृष्णा कम्स। कृष्ण प्रेम को या बोलते हैं चंद्र बालाराम से गुरु टिया ये लाइन यमो को टीटी जजा लाइन आविर्भमा चंद्र साधना लो विरमा चंद्र का अरे कृष्ण प्रेम को चंद्र यशन है फिर। सो दिस इज देयर कि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास अपने गुरु पर और गुरु से दीक्षा लेने पर, गुरु के अधीन सरेंडर करने पर हम कृष्ण प्रेम तक पहुंच जाते हैं। साधु संग लीड्स अस टू कृष्ण प्रेमा। चंद्रोगा न पटमाउजों गुरु गुरु को लेख है मचित है गुरु ये हमें और आ ऑनलाइन है मचित है अरे ये खामा अरे क्या ना टस्से चंद्रो न गुरु यूलाइज़ हम गुरु का ना टस्से चंद्रो आ कृष्ण प्रेम याचित है मचित है। अब आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, इट्स ऑलरेडी 6 o'clock। क्वेश्चन आंसर्स, एनीबॉडी दे वांट टू आस्क क्वेश्चंस आई कैन आंसर। माताजी आ मेगों शिरल रे मेगों मे नाय बारे रे क्वेश्चन आंसर्स हैं तो फिर हम वो ले सकते हैं। और रिगार्डिंग दिस टॉपिक आई कैन सी, मैं देख सकती हूँ 83 पार्टिसिपेंट्स हैं आपके वहाँ, और मेरे पास भी यहाँ पर मैंने एक ही तरह से लाइव करा है यूट्यूब पर भी राउंड अबाउट 70 लोग हैं, 65-70। सो एनी क्वेश्चन दे कैन, किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा प्रभु जी देख रहे हैं कराबी से, आई कैन सी हिम, हरे कृष्णा प्रभु जी। नाइस, मुझे बार बार कहते थे प्रभु जी कि आप बर्मा आना, आपको म्यांमार बुलाना है अपने मंदिर के इनॉग्रेशन पर। सो नाइस, भगवान ने देखो बर्मा पहुंचा दिया, आज लेक्चर बर्मा में करा दिया। गीता गीता भी वहाँ है सब, मैं कराबी में उनके घर घर को देख रही हूँ, वो घर पे बैठे हैं। दैट इज नाइस, हरे कृष्णा। सो एनी क्वेश्चन, किसी का प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है। अरे कृष्ण
लगा आप सबको नहीं, प्रश्न आप मैंने। प्रश्न आप ले लें और हरी बोल। हाय कृष्णा टू माय यूट्यूब व्यूअर्स, आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं जब तक वो लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं। हरे कृष्णा मोदी प्रश्न कर रहे हैं। हाँ जी एक भक्त पूछ रहे हैं कि हम लोग गुरु से दीक्षा लेते हैं हाँ हाँ और चार नियम का पालन करते हैं, लेकिन अचानक किसी कारणवश चार नियम में से किसी नियम का भंग हो गया तो उसका हम कैसे प्रायश्चित कर सकते हैं? आप भगवान से माफी मांगकर, गुरु और भगवान से माफी मांगकर और फिर से दोबारा और बहुत ही जोश के साथ और बहुत तीव्रता से फिर कर सकते हैं। मुझे याद है गुरु महाराज सिखाते हैं। ओ सॉरी हरि बोल, कैन यू हेयर मी नाउ? सुन सकते हैं मेरे को? यस माताजी। तो हमें भगवान से माफी, गुरु और भगवान से माफी मांगकर फिर दोबारा ना वो अपराध करें हम, तो इस प्रकार से और तीव्रता से और जोश के साथ और बहुत डिटर्मिनेशन से भक्ति में लग जाना चाहिए। भक्ति को कभी नहीं छोड़ना है। कोई गलती हो गई है तो माफ हो सकता है, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि प्रभुपाद ने बहुत सहा, बहुत टॉलरेट किया, बहुत पेशेंस दिखाई अपने भक्तों के साथ, नए भक्तों के साथ। तो वो गलतियां करते थे फिर भी प्रभुपाद उनको माफ करते रहे। तो गुरु जो है, पर जानबूझकर अगर गलती की जाए तो फिर खतरनाक है। अगर भक्ति में अनजाने में गलती हो गई है और फिर हम माफी मांगकर फिर से लग जाएं, क्योंकि टू एरर इज ह्यूमन, ये तो शास्त्र कह रहे हैं, हमसे गलती होगी, पर गुरु बहुत दयालु होते हैं, गुरु माफ कर देते हैं। तो वी कैन अगेन, भक्ति को नहीं छोड़ना है, भक्ति त्यागना नहीं है। माता जी आप आशीर्वाद दे रहे हैं ना, गुरु सुरा हार है आलो अपराध ना मति बने के द्वारा दी नियम को बहुत बार सुरा हार है मति बने लो में सोई है ना वो गुरु ने भगवान ने अपने लो मक्षे पा रहे हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका माता दना प्यू रहे छे रामियो लुंगे रे अन्याय मति बने अपराध रे लोखे रे बो रामे प्रभुपाद जी दाओ खुलो करे हमें अपन अगर नो ती दाने लो बिरो थबिरो लो में सोई दागा इमटामा नो सुरा रे पी को जा मेरे दागो चंद्रो अकेलो अपील लो द्वार है दागो प्यान पी रमा चंद्रो दिया भक्ति को रो चंद्रो लो लो में आओ भक्ति को रो मेरा लो ने आम फिट है रे गुरु का चंद्रो में लो मार्च पा रहे रे और कोई प्रश्न है? कैसे क्या हमारे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा चनारो लोग ने भक्ति को बोला गुरु कृष्णा का प्रसन्न खेला मखेला बलोती नहीं मिले अजय एक डिवोटी प्रश्न कर रहे हैं कि हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति से गुरु और कृष्ण प्रसन्नता गुरु और कृष्ण प्रसन्न हुए कि नहीं, इसको हम कैसे जान सकते हैं? जब हम भक्ति कर रहे होते हैं तो हमारा इंटरेस्ट भक्ति में बढ़ रहा है कि घट रहा है? हमें आनंद, जो आनंद मिल रहा है, जो खुशी मिल रही है, जो सुख मिल रहा है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है? और हम अपनी भक्ति को एंजॉय कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है? अगर हमें अच्छा लग रहा है और हमारा इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है तो हमारे भक्ति में भगवान और गुरु दोनों प्रसन्न हैं। पर अगर हमारे को भक्ति में
हमें कठिनाई हो रही है, बाधा आ रही है, तो अभी हमारा मन भटक रहा है, तो अभी हमें और प्रयास करने की आवश्यकता, हमारे नाम में अभी कमी है, नाम में शुद्ध नाम लेने में हमारे अंदर कमी है, हम सिंसियर नहीं हैं, अभी नाम अच्छे से नहीं ले पा रहे, हमें अपने आप को और सिंसियर करना होगा। तो कभी भी ये ना सोचें कि हमारा फर्स्ट यू में ट्रांसलेट और दे अंडरस्टैंड। गुरु ने कृष्ण का प्योर है चनो शुद्ध नाम को सही नीला में सही नीला तुम वो भक्ति लो देखा मा सही का नो भक्ति रल लो उन्हें राम में सही का अपने उन्हें बड़ी बोले पंगों में सही घुसे हैं ना कमियों रे। जैसे हम देखते हैं किसी छोटे बच्चे घर में जो बच्चा है, जब वो माँ बाप का कहना मानता है तो माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं, तो वो बच्चा वो उस घर में सुख शांति रहता है, क्योंकि वो बच्चा माँ बाप के अनुसार चल रहा है। ऐसे ही गुरु के कहे अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो गुरु प्रसन्न होते हैं, पर अगर हम गुरु के अनुसार कहे कार्य गुरुमुख ना होए, गुरु के मुख को देखकर कार्य नहीं करेंगे, मनमुख होकर करेंगे, तो फिर गुरु भी प्रसन्न नहीं होते और हमें भी अशांत रहता है, हमारा मन भी शांति नहीं आता है। सो भक्ति माला है चंद्रो हा न चंद्रो गुरु ये सीखा नहीं को लाई ना भी रो चंद्रो ने में भी रो मा न गुरु ये जगह को ना था मैं सोये चंद्रो ले प्योशिंगु को भक्ति मा प्योशिंगु या मैं गुरु गाले ढाने चिन्ना नित्य मापे दे रे। That's it। अगर उनको is he satisfied, उनको satisfy है इस आंसर से कि कुछ और पूछना चाहते हैं? प्रेम रतन प्रभु नारे लाम दे हरे कृष्णा। That's nice। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भगवान और गुरु प्रसन्न हुए कि नहीं, पर यह है कि गुरु कहते हैं तीन प्रकार के शिष्य होते हैं गुरु के। एक शिष्य होता है जो वो कार्य करता है गुरु के बिना कहे ही समझ जाता है और वो काम कर देता है। दूसरा शिष्य होता है जिसको गुरु को कहना पड़ता है ये काम करो तो वो काम करता है। और तीसरा होता है जिसको गुरु कहते हैं ये काम करो पर फिर भी वो अपने मर्जी का अपने मन का काम करता है, गुरु की अवज्ञा करता है। तो सबसे अच्छा शिष्य है जो बिना कहे ही गुरु को बोलना भी नहीं पड़ता, गुरु का इशारा ही समझ जाता है और वो काम कर देता है। सो गुरु के जो कहा है जो गुरु के मुख को देखकर चलता है, जो गुरु के इशारे को समझ जाता है, वो फर्स्ट क्लास शिष्य होता है। गुरु मुख कन्या के गुरु का बालू जने सुरागो चिलाए डने तिरे शिष्य हारे न तू फर्स्ट क्लास शिष्य अच्छे थे। सो वी शुड ट्राई, हमें यही कोशिश करना है कि हम फर्स्ट क्लास शिष्य बने, हमेशा फर्स्ट क्लास रहे। चंद्र आ लूंगा चूज आया वाला से फर्स्ट क्लास शिष्य अच्छे फोटो है चंद्र चूज आया अच्छे थे। अरे बोल और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। गुरु का चयन करने करते समय जैसे माता जी बोली कि भगवान का कृपा से ही गुरु मिलते हैं, तो लोग अपना जैसे कि हम किस गुरु से दीक्षा लेंगे इसे चॉइस करते हैं, तो भगवान का कृपा से मिला या कुछ तो अपना चयन किया है कैसे पता? आप देखो जब हम हमारे मन में कुछ होता है हम विचलित होते हैं, जब जैसे मुझे तो अपना एग्जाम्पल सबसे खुद का ही पता एक्सपीरियंस कि मेरे मन में इच्छा हुई इतने प्रश्न उठे और भगवान से उत्तर मांग रही थी। अभी मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया एक इस्कॉन डिजायर ट्री पर कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आई, तो वो उसमें मैंने बताया अपना लाइफ स्टोरी
कि मैं मेरा मन विचलित हुआ, मुझे बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में आए और उन प्रश्नों का उत्तर जो था वो भगवान ने कृपा कर दी कि मुझे वृंदावन में भेज दिया। मैं कभी वृंदावन उससे पहले नहीं गई थी और वृंदावन इस्कॉन टेम्पल पहुंची और प्रभुपाद की समाधि पर ही पहली माला का जाप किया और उसके बाद उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रही हूँ और फिर गुरु महाराज को सामने भेज दिया। साक्षात पंजाबी बाग मंदिर गई और वहाँ गुरु महाराज मिल गए। सो भगवान ने गुरु को भेज दिया और वो बात सच हो गया कि गुरु जो है, गुरु मिलते हैं भगवान की कृपा से और फिर भगवान मिलते हैं गुरु की कृपा से, फिर गुरु गाइड करते हैं और गुरु भगवान मिल जाते हैं। और उसके बीच में मेरे पास अनेक अनेक सन्यासियों से मेरे को ब्लेसिंग्स मिली, मेरे हस्बैंड को और मेरे को, हमें बहुत संग मिला बहुत सारे सन्यासीज का, तो बहुत सबकी कृपा मिली। तो ये होता है कि एक गुरु की तरफ आपको इंडिकेशन मिलता है, भगवान अंदर से आपको उस गुरु के साथ आपका लिंक जोड़ देते हैं, बार बार उन्हीं के सानिध्य में आपको फिर से भेज देते हैं। सो दिस इज़ देयर, वो लिंक जुड़ जाता है और गुरु भी फिर अपने शिष्य को पहचान लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पहचानते, उनका उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं हम। सो गुरु भी पहचान लेते हैं और ये सब तब होता है जब हम सिंसियर होते हैं। ये सब मैंने देखा है कि जब तक हमारे मन में सिंसियरिटी होती है, गुरु बिना बोले ही समझ जाते हैं आपके मन में जो बात है, वो गुरु ऐसे ही समझ जाते हैं। सो दीज आर पर्सनल एक्सपीरियंसेस विच आई कैन रियली गारंटी कि हाँ ऐसा होता है, 100% होता है। इसका ट्रांसलेशन तो नहीं चाहिए, आई डोंट नो सबको समझ आ रहा है हिंदी। Hare Krishna. So somebody is asking through the chat, Mataji, जो हम लोग का वो जब भाग्य खुलता है तभी हम लोग को सत्संग मिलता है, तो हम लोग को कैसे कर्म करना चाहिए कि भाग्य खुल जाए? That's right. Somebody is asking. That's very nice. क्या क्या करना चाहिए कि भाग्य खुल जाए, सत्संग मिल जाए? हमारे अगर जीवन में बहुत सारा पुण्य होगा और थोड़ी भक्ति भी की होगी तो सत्संग में हम पहुंच जाएंगे। ये इनके इन किसी ना किसी तरह कोई ना कोई हमें ले जाएगा और हमें अगर हमारा भाग्य अभी आप, जिसने ये प्रश्न पूछा है वो अभी सत्संग में ही है तो इसका मतलब है उनका भाग्य खुला है तो वो सत्संग में आए हैं, क्योंकि भगवान की चर्चा वही सुन सकता है जिसने कुछ पुण्य किया, कोई भक्ति की है तभी वो सुन सकता है, नहीं तो भगवान का चर्चा सुनने के लिए भी कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है। इतने हजारों लाखों लोग हैं दुनिया में पर कौन सर्फिंग करता है या कौन देखता है कि कहाँ कथा हो रही है? बहुत कम लोग हैं जो कथा सुनते हैं। सो दिस इज देयर कि क्योंकि जो आपका प्रश्न है ये मैंने प्रश्न गुरु महाराज से पूछा हुआ है, मैंने उनसे पूछा था कि जब कोई विचलित होता है, मैंने तो अपना एग्जाम्पल पूछा था, अगर जब कोई कठिनाई आती है तो हम भगवान की तरफ जुड़ जाते हैं, नहीं तो जब मुश्किल आती है लोग उल्टा भगवान से दूर भी हो जाते हैं। सो जब कोई मुश्किल आती है तो हम कहते हैं भगवान को दोष देते हैं कि मेरे साथ अच्छा ऐसे, मैं तो इतने अच्छे हूँ, मेरे साथ ये ऐसा क्यों करा, मेरे को दुख क्यों दिया, तो भगवान से कई नाराज हो जाते हैं और कई भगवान की तरफ जुड़ जाते हैं। तो मैंने यही पूछा था कि ऐसा क्यों होता है, दोनों में क्या फर्क है, सब क्यों भगवान की तरफ क्यों नहीं जुड़ते? तो गुरु महाराज ने कहा जिन्होंने भक्ति पूर्व जन्म में कोई भक्ति पुण्य किया था, पहले कुछ ऐसे कर्म किए थे, तो फिर वो भगवान की तरफ चले जाते हैं, और जिनके खाते में बहुत सारा पाप होता है अभी, जिन्होंने पुण्य भक्ति नहीं की थी, वो उल्टा विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में चले जाते हैं। सो दिस इज देयर कि हमारे को हमेशा भक्ति का प्रयास करते ही रहना है कि किसी ना किसी तरह मैं सेवा नाम जप करता ही रहूं, तो नाम इज भक्ति, तो नाम जप करूं, प्रसाद खाऊं, भगवान को भोग लगाकर खाऊं, तो मेरे सारे जो विघ्न है वो कटते चले जाएंगे और मुझे भक्ति मिलती जाएगी, भक्तों का संग मिलता जाएगा। दैट्स इट। हरे बोल। माता
कृष्ण माता जी हरी बोल। यस प्रभु जी भक्त पूछ रहे हैं कि आप माता जी ने बताया कि गुरु करके बताएं, तो इसमें दीक्षा गुरु ही है कि शिक्षा गुरु भी है करके प्रश्न पूछ रहे हैं। ये तो पूरा चेन है, शिक्षा गुरु, मार्ग प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, तो चैत्य गुरु, तो पूरा लिंक चेन चल रहा है, तो एक भी लिंक मिसिंग नहीं होना चाहिए। कभी भी हम वी शुड बी इंडेटेड, हमें ऋणी होना है अपने शिक्षा गुरु का, मार्ग प्रदर्शक गुरु का, शिक्षा गुरु का और दीक्षा गुरु का तो है ही है, और फिर चैत्य गुरु तो भगवान स्वयं आएंगे। सो दिस इज देयर कि हमें ऋणी, वी आर इंडेटेड टू देम। हमारा कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि ये सब मैं किसी को भी छोड़ सकता हूँ बीच में से। जब तक हम आई होप यू अंडरस्टैंड, ऋणी मीन्स वी आर इंडेटेड। इंडेटेड मीन्स कि हमें उनका आभार प्रकट करना है, वी आर ओब्लाइज्ड, हमें आभार प्रकट करना है शिक्षा गुरु का भी, दीक्षा गुरु का भी। शिक्षा गुरु इज द मेन, जो हमें हमारा मेंटर है, जो हमें तैयार कर रहा है वो हमारे को, दीक्षा गुरु तो हमारे को हर समय नहीं देख पा रहे, हमारे हर समय नहीं मिल पा रहे, पर मेंटर जो शिक्षा गुरु है वो तो हर समय हमारे साथ है। बट दैट इज देयर कि गुरु की कृपा है, एवरीथिंग इज बाय, भगवद गीता कहती है कुछ चांस नहीं है, कोई चांस से नहीं होता, सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। तो शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, चैत्य गुरु है, माता जी आठ देखो बाबा रस है, शिक्षा गुरु चंडो मेरा शिक्षा पेरा गुरु आ रहा है, डामा ये चीज है बाजाना सोए, दीक्षा गुरु आ चंडो को दीक्षा पे मैं अमेरा तुमने अच्छे से शिमला मिश्री का सुना बती हूँ, अब मैं अपना पहले शिक्षा गुरु सुना अमेरा चंडो को शिक्षा पे रख जाऊँ माले बेटा माँ, ये चीज है डी गुरु तो हुआ शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु है चित्य गुरु है ये तो गुरु हो चंडो पहलो माँ पहलो भैया गुरु है तुरु अमेरा चंडो ये चीज उसे फिट है शिक्षा गुरु अठू देखे शिक्षा गुरु है चंडो ये चीज उसे फिट है अरे चीज को चंडो पहलो माँ सब पौना है वो सराब माता जी थैंक यू माता जी हाय बा और ठीक माता जी, माता जी ये तो जो था तो भी वाह हरे कृष्ण माता जी हरी बोल हरे कृष्ण इट्स ओवर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अप योर मोस्ट प्रेशियस टाइम फॉर अस You're so blessed today. You're welcome always. Haribol. It was nice. Thank you so much. I could. Yes, Your Auntie. Haribol. Thank you. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you for inviting. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Shri Bhagavad Pada ki jai. Shishi. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Shishi. Radha Shyam Sundar Bhagwan ki jai. Shishi. Gonitai ki jai. Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai. Iskon Myanmar ki jai. God Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So we end the class here. Thank you for joining me. We'll meet again tomorrow at 5 o'clock sharp. Hare Bol. Hare Krishna.